अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम एक इफेक्ट करेंगे याद, विच इज पोलराइड इफेक्ट। ठीक है, ये सेंटर में टाइटल आ रहा है लिखा हुआ। और पोलराइड इफेक्ट बेसिकली क्या होता है आपके सामने है, तो आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा पोलराइड इफेक्ट क्या होता है। पोलराइड इफेक्ट होता है कि आप विंटेज स्टाइल में पिक्चर्स को प्रेजेंट करते हैं, और वो पिक्चर्स क्या होती हैं, मोस्टली मेमोरीज होती हैं। मोस्टली वो आप किसी को अगर स्क्रैप बुक का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो कि आप इमेजेस बना के उनको देते हैं, उन्हीं की इमेजेस को आप प्रिंट निकालते हैं, काट के एक स्क्रैप बुक बनाते हैं और वो बुक उनको देते हैं, या कुछ पेजेस होते हैं उसमें, ठीक है ना, फुली हैंडमेड होता है, तो वो फिर एक यादगार चीज़ रहती है। तो वो बिल्कुल उसी तरह की एक ये कॉन्सेप्ट है पोलराइड इफेक्ट। और तो ये बेसिकली होता ये है कि इंस्टाग्राम पे अगर आप पोस्ट देखें, कुछ लोग बहुत कम है लेकिन कुछ लोग करते ये हैं कि हम विंटेज स्टाइल में इमेजेस को प्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि अगर आप देखें, ये चीज जो है ये एक इंस्टाग्राम की पोस्ट है, ये दूसरी पोस्ट है, तो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो इमेज चाहिए होता है हमें, फिर उसके बाद एक टाइटल जो इमेज का टाइटल होता है, फिर उसके बाद टेप चाहिए होती है जो ये इफेक्ट दे सके कि ये इमेज दीवार पे लगी हुई है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वो चारों कोनों पे टेप्स लगा देते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो वो इफेक्ट इतना अच्छा नहीं लगता। इतनी ज़्यादा टेप्स आपने कभी दीवार पे नहीं लगाते ना, आप तो स्क्रैप्स वाइज स्क्रैप बुक पे नहीं लगाते, आप सिंपल इतना लगाते हैं बस कि ना तो इमेज खराब हो, ना टैग खराब, पेज खराब हो, तो और काम भी चल जाए। तो खैर, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है स्क्रैप बुक बनाने का, तो ये उसी का ही एक काम है जो आज हम बनाएंगे। इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स ये हैं कि टेप अलग है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टेप है, तो टेप को आप जहाँ मर्जी प्लेस कर सकते हैं, आपके पास ये फ्रीडम है। ठीक है, और तो ये अच्छी चीज़ है, फ्लेक्सीबिलिटी है। इसको रोटेट करके आप राइट वाले कोने में डाल दें या लेफ्ट वाले कोने में डाल दें। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी वगैरह कम कर सकते हैं। अभी तो ये थोड़ा सा सी थ्रू हुआ है, तो अगर मैं इसको फुल ओपेसिटी बढ़ा दूंगा तो ये ओपेसिटी खत्म हो गई। कम करनी होगी कि बहुत बारीक टेप है, तो बारीक ओपेसिटी कर दें। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। टाइटल आप खुद से चेंज कर सकते हैं आपके हाथ में, इमेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोटेशन आने हैं वो चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह इसी इमेज के साथ आप कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इफ आप अगर ये बना लेंगे तो जितने मर्जी कॉपीज बना लें, यानी ये एक कॉपी है येलो वाली, ग्रीन वाली दूसरी कॉपी है, तो मैंने अगर इनकी डुप्लीकेट बनाने हो, फॉर एग्जांपल इसको मैं चाहता हूँ कि एक और यहाँ पे आ जाए, तो मुझे दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से उठाना है, कंट्रोल जे यानी डुप्लीकेट करना है और इसको उठा के यहाँ पे ले आना है, तो मेरे पास एक बनी बनाई कॉपी आ गई है। उसके अंदर सिर्फ मैंने इमेज चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है, थोड़ी सी रोटेशन देनी है कंट्रोल टी करके, यानी कि एग्जैक्ट डेटो कॉपी ना लगे, तो वो काम चल जाएगा। तो एक दफ़ा भी बना लेंगे तो आप उसको काफ़ी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली गिफ्ट वगैरह देने में आपको हेल्प दे सकती हैं। और फ्रेम आप जो मर्जी, क्रिएटिविटी आपके आपके ऊपर है, जितना मर्जी आप क्रिएटिव करना चाहें आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे, और आप लोगों की असाइनमेंट भी यही है कि आप लोगों ने ये काम करना है और मुझे सबमिट करवाना है। तो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने एक कोई सी एक इमेज पकड़ेंगे, तो इसको मैं अनहाइड करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इमेजेस आ गई हैं। अब इन इमेजेस में से मैं सेलेक्ट करूँगा कि कौन सी इमेज मुझे चाहिए। पहले एग्जांपल के लिए तो आई थिंक ये वाली इमेज चलेगी, तो इसको मैं निकाल के इस ग्रुप से बाहर लेके आऊँगा क्योंकि ये मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा ताकि ट्रांसफॉर्मर को थोड़ा सा छोटा कर सकूँ। आई थिंक इतना काफ़ी है, अभी हम इसको मज़ीद एडजस्ट करेंगे। तो अब हमें एक बेस बनानी है, जो कि आपने देखी है कि इसके पीछे एक वाइट बैकग्राउंड होगा,
तो उसके लिए मैं एक रैंडम रेक्टेंगल बनाऊंगा, कोई खास डायमेंशंस नहीं है, क्योंकि वो मैं एडजस्ट करता रहूँगा साथ साथ। और इसमें फिल मैं दूंगा वाइट कलर का, ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी। इसको रीनेम करते हैं और इसको हम कहते हैं बेस, ये बेस है पहली इमेज के लिए। अब मैं इस इमेज को विजिबल करूँगा और इसके ऊपर ले आऊँगा। अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले कि मैं ट्रांसफॉर्म करूँ, मुझे इसकी साइड्स नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ रिंग वाला पार्ट चाहिए। तो वो मैं क्या करूँगा उसको, उसको मैं ये कर सकता हूँ, या तो क्लिप कर दूँ या डिलीट कर दूँ, मल्टीपल ऑप्शंस है, तो मैं क्लिप कर देता हूँ। ठीक है, क्लिप करने का तरीका आपको बताया हुआ है, बहुत सिंपल है। एक रेक्टेंगल, इस बेस को मैं अभी हाइड कर रहा हूँ ताकि हम कन्फ्यूज ना हो, ठीक है, ये बेस अलग चीज़ है और जो मैं अभी क्लिपिंग मास्क करने लगा वो अलग चीज़ है। ये रिंग मेरे पास, ये इमेज है, मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, सर्कल एलिप्स नहीं, रेक्टेंगल, और यहाँ से फिल इसको मैं दे दूंगा कोई भी कलर, कलर मैटर नहीं करता, ठीक है ना, ब्लैक दे देता हूँ। तो अब जहाँ पे मुझे इमेज चाहिए ना, उसके ऊपर मैं बॉक्स बना दूंगा। तो मुझे यहाँ से ये वाला कुछ पार्ट चाहिए, बस दैट्स इट, ये मैंने स्क्वायर बना दिया। अब क्लिप करने के लिए क्या होता है, जो इमेज है, जो कि मेरी ये वाली इमेज है रिंग टू, बिल्कुल इसके नीचे मैं ये रेक्टेंगल लूंगा जो मैंने अभी बनाया है, ब्लैक रेक्टेंगल। ऑल्ट प्रेस करूंगा तो आप देखिए मेरा माउस लेयर में कैसा हो जाएगा, ऑल्ट और क्लिक, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्लिपिंग मास्क होता है, सारा कुछ साइड से खत्म हो चुका है, बस यही मैं चाह रहा था। और इन दोनों का मैं ग्रुप कर दूंगा ताकि मेरे लिए आसानी रहे, और इसको मैं नाम दे दूंगा रिंग इमेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाइट बॉर्डर नजर आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो उसका भी हल है मेरे पास। उसका हल ये है कि जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, इसमें से ये 3 पिक्सल का 0 पिक्सल कर, 0 पिक्सल्स कर दिया, तो अब बॉर्डर ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अब हम बेस को लेके आएंगे, और बेस हमारी थी यहाँ पे, इस रिंग को मैं उठाऊँगा एज इट इज, इस पूरे ग्रुप को, और इसके ऊपर डाल दूंगा, ठीक हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अब मैंने रेक्टेंगल जो पीछे वाला है इसको थोड़ा सा अलाइन करना है ताकि इमेज इतनी डिसऑर्गेनाइज ना लगे। इमेज को नहीं मैं अलाइन करूँगा, मैं पीछे बेस जो है ना उसको अलाइन करूँगा, बैकग्राउंड जिस जो इमेज का बैकग्राउंड होगा, जिसको मैंने बेस का नाम दिया हुआ है। तो बेस को मैंने क्लिक किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, और साथ में इसको थोड़ा सा अलाइन किया, मजीद अलाइन कर लेंगे इसको। अभी सिर्फ मैं विजुअली कर रहा हूँ जो मेरी आंखों को लग रहा है बेहतर है, बाकी हम देख लेते हैं अभी। ये हो गया, इसको यस ओके कर दें। तो ये हमारा कुछ हद तक पहला बिल्कुल बेसिक सा एक पोलराइड इमेज बन गया है। अभी भी इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इंक्लूड करनी है। सबसे पहले तो ये है कि इमेज को और इस बेस को वर्टिकली अलाइन करें, तो पहले से अलाइन था। अब इमेज वाला जो फोल्डर है इसको शेडो देंगे, हल्का सा शेडो, ड्रॉप शेडो, और थोड़ा सा मैं जूम करूँ ताकि आप लोगों को नजर आ सके कि हम क्या करने जा रहे हैं। इमेज पे क्लिक किया, फिर उसके बाद हमने इसको ड्रॉप शेडो दिया। ड्रॉप शेडो देने के बाद शेडो को थोड़ा सा हम करेंगे इस तरह से कि रेड इसका हो हल्का सा, अगेन ये सेटिंग्स रफली होती हैं, ये सेटिंग्स कोई फिक्स नहीं होती, ठीक है। डिस्टेंस 1 का दिया है और साइज मैंने दिया है, तो 5 का साइज लूंगा और दैट्स इट। एक तो ये चीज़ हो गई। अब एक और शेडो मैंने देना है जो कि इसकी बेस पे होगा, ये शेडो तो पोलराइट के ऊपर होता है, और शेडो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आप काम कर सकते हैं, लेकिन आइडिया आप लोगों को पता चल गया कि एक शेडो हमने इमेज पे देना है और एक शेडो हमने बेस पे देना है। बेस पे मैं अब शेडो देने जा रहा हूँ, एफ एक्स पे क्लिक किया, ड्रॉप शेडो पे क्लिक किया, और ये शेडो इस पे भी आ गया, ठीक है। इसका स्प्रेड मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, साइज सॉरी थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, दैट्स इट, ख़त्म हो गया। तो ये कुछ 3D लग रहा है जैसे कि टेबल पर पड़ा हुआ है।
अब हमें चाहिए इसका टाइटल, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि आपकी पिक्चर पोलराइड में हम जो पुराने जमाने में होती थी उसमें ना यहाँ पे जगह दी जाती थी जहाँ पे कोई ना कोई कुछ लिख लेता था, मोस्टली मेमोरीज के लिए ये एक मॉकअप बनता है। तो मुझे यहाँ पे रिंग की बजाय अगर मैं कोई किसी कोई सफर, अगर मैं किसी सफर पे गया हुआ हूँ तो मैंने वहाँ पे तस्वीरें खींची हैं तो मैं यहाँ पे वो लगा दूंगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे मैं लिख सकूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने अगर मैं मोटर वे पे हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोटर वे 2021, ठीक है। तो खैर ये रिंग है तो मैं इस पर नीचे, एक सेकेंड ये गलत हो गया, मैंने टाइटल क्रिएट करना है, टाइटल क्या होगा, लेट्स सपोज कि ये एक फिगर ऑर्गेनाइज कर लें, ये बेस है, ये रिंग इमेज है और ये टाइटल था इसका, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो असल में हमने इन दो इमेजेस को भी काम किया है, ये मेरा पहला पोलराइट इफेक्ट है तो इसको मैं कंट्रोल जी कर लूंगा, पोलराइट पोलर आई टी नंबर वन, ठीक है जी, ये मेरा ये बन रहा है पूरा का पूरा, बाद में इसी में डुप्लीकेट करके काम तेज कर लूंगा। तो टाइटल लिखना यहाँ पे कुछ ना कुछ, तो मैं वो लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंगेजमेंट रिंग 21, ठीक हो गया, ईयर लिख दें जो भी लिखना है टाइटल इमेज का आप यहाँ पे लिख सकते हैं और वो बड़ी नीटली यहाँ पे शो करवाएं। कलर इसका मैं दूंगा ब्लैक, ठीक है ओके, एंड दिस, तो ये एंगेजमेंट रिंग 21 आ गई। टाइटल कुछ भी हो सकता है, मैंने ये चूज किया और ये इस फोल्डर के अंदर जाएगा, इस ग्रुप के अंदर जाएगा। इस ग्रुप को मैं कलर दे देता हूँ येलो ताकि मुझे याद रहे कि ये एक इमेज है और एंगेजमेंट रिंग 21 हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया मैंने यहाँ पे टाइटल अपनी मर्जी का नहीं दिया, रिंग को देखते हुए दिया। तो दिस इज द फर्स्ट पोलराइड जो कि सबसे सिंपल हम कहते हैं कि सिंपल पोलराइड है। और एक और चीज़ है कि इसका शेडो इधर भी आना चाहिए, उसके लिए ये डिस्टेंस जीरो करना पड़ेगा, लेकिन अगेन डिस्टेंस और शेडोज से आपने खुद खेलना है किस तरह का शेडो अच्छा लगेगा। ऊपर वाली इमेज पे ज़्यादा शेडो नहीं देना, नीचे वाली इमेज पे बेशक आप ज़्यादा दे सकते हैं, ऊपर वाले में बिल्कुल कम देना है आपने, ठीक है ना, छोटा सा शेडो देना है। अब ये मेरे पास पोलराइड आ गया, इसको मैं कंट्रोल टी करूँगा और हल्का सा रोटेट कर दूंगा, ठीक है। शो क्या करवाना है कि ये दीवार पे लगा हुआ है, बस ये शो करवाना है, दैट्स इट। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आऊंगा और यहाँ सेंटर में रहने देते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे एक टेप चाहिए, यहाँ पे कहीं लगी हो या यहाँ पे लगी हो, सिंगल टेप, बिल्कुल बेसिक तरीका मैं बताता हूँ टेप बनाने का, ठीक है। पार्ट वन कंप्लीट हो गया, पोलराइड हमने बना दिया, इमेजेस बेहतर हो सकती हैं, इमेज बहुत डल लग रही है तो लेट्स ट्राई टू रिप्लेस इट विद, चलो नेक्स्ट में करूंगा, जब मैं नेक्स्ट वाली इसके साथ एक और बनानी है तो मैं उसमें यूज करता हूँ। टेप बनानी है, टेप का इफेक्ट किस तरह से बनाएंगे, हम यहाँ पे जूम करता हूँ, यहाँ पे टेप बनाते हैं, सिंपल सा एक न्यू लेयर बनाए, इस न्यू लेयर पे रीनेम कर दें इसको मार्केट टूल, जिससे हम सब फेमिलियर हैं, एक रैंडम रेक्टेंगल बना दें, ठीक है। फिर हम इसमें फिल देंगे, फिल हम किस तरह से देंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, सॉलिड कलर पे क्लिक किया और मैं इसको देता हूँ थोड़ा सा ऑरेंजिश टच, ये जो बेसिकली टेप का होता है, ये दे दिया। मैं मज़ीद जूम करूँगा इस पर और ये है। अब एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि मैं यहाँ पे ये वाला मेथड नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि मुझे एक छोटी सी लेयर चाहिए, तो मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी, ये सिलेक्शन आ गई है। अब मैं इसको सिंपल तरीके से मतलब सॉरी मास्क के थ्रू कलर नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इसको क्रॉप आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट बैक स्पेस और यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लें, आपने क्या कलर देना है इसको, वही वाला कलर दूंगा जो मैंने अभी सेलेक्ट किया था जो कि टेप का था, कलर हम चेंज कर सकते हैं उसकी टेंशन कोई नहीं है। फिलहाल के लिए मैंने ये चूज कर लिया और प्रेस ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने शिफ्ट और बैक स्पेस दबाया, ठीक है ये मेरा टेप आ गया। अब आप देख सकते हैं इसके आगे मास्क नहीं लगा हुआ, यानी एक छोटी सी लेयर है
पहले से क्रॉप आउट हुआ तो मेरा काम आसान हो गया। कंट्रोल डी प्रेस करूंगा ताकि सिलेक्शन खत्म हो जाए। अब मैं लासो टूल पकड़ूंगा और थोड़ा सा टेप का इफेक्ट देते हैं इस पे। इसको मैं सॉरी जूम आउट कर देता हूँ और थोड़ी एक्सपेंड कर दूँ। लासो टूल पकड़ा, सबसे पहले वाला पकड़ना, इसमें फ्री हैंड होता है हमारे पास, तो यहाँ पे एक जिगजैग बना दें रैंडमली, ठीक है, और करने के बाद इसको डिलीट कर दें। टेप पहले लेयर पे क्लिक करें और डिलीट कर दें। सिमिलरली कंट्रोल डी प्रेस करें ताकि वो खत्म हो जाए और अब यहाँ पे आ जाएं। बिल्कुल रफ हैंड से आपने सिलेक्शन करनी है और डिलीट कर देना, क्योंकि दोनों साइड से अगर आप पेपर टेप काटें तो इस तरह भी इफेक्ट आता है ना, थोड़ा सा कटा सा, तो ये मैंने क्रिएट किया। अब इसको मैंने क्या करना है, शेडो देना है, ड्रॉप शेडो। तो ये शेडो उस पर आ गया, कुछ ज़्यादा ही आया हुआ है तो साइज कम कर सकते हैं हम इसका, साइज में इसका कर देता हूँ 4, प्रेस ओके। और इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ, कैपेसिटी कम होती है, सी थ्रू होता है ना ये टेप जो होती है, तो ये मेरे पास टेप आ गई है। अब इस टेप को कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, रोटेट किया और यहाँ पे लगा दूँ कि कहाँ पे लगाऊँ, आई थिंक यहाँ पे सही रहेगा। अब इसको एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करें जो मर्जी करें, टेप आपकी बन गई है। मूव टूल पे क्लिक करना है, टेप पे क्लिक करना है और इसका मूव करना है। तो ये हमारा पहला पोलराइड भी बन गया, पहली टेप भी बन गई है। अब हम जाते हैं दूसरे तरीके से, पोलराइड कभी कभी डैमेज भी होता है तो देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। लेंथ थोड़ी बड़ी कर देते हैं क्योंकि कंट्रोल डी और टेप एंड कंट्रोल डी एंड विड्थ सिर्फ इंक्रीज करनी है, तो मैं इसकी विड्थ इंक्रीज कर रहा हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है और विड्थ इंक्रीज करनी है। प्रेस ओके, ठीक है। तो अब हमने बनाना है एक और सेम टू सेम पोलराइड, लेकिन वो फटा हुआ होगा थोड़ा सा। इमेजिन करें कि वो जेब में पड़ा रहा है और फट गया है, जो भी है एनी रीजन। हाँ, इसकी ओपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपने ज़्यादा बढ़ानी है, और कम कर सकते हैं, ठीक है। टेप मोस्टली सी थ्रू होती है तो इसलिए इसको ओपेसिटी कम करके ये इफेक्ट दिया था, जिसकी वजह से इमेज नज़र आ रही है। एक और लगानी है तो आप इसकी डुप्लीकेट करें और यहाँ पे लगा दें, ये यहाँ पे लगा दें। खैर ये बात ख़त्म हो गई है, इसको भी मैं दे देता हूँ येलो कलर। ये दो चीज़ें येलो में, एक पोलराइड और एक टेप, इन दोनों का मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ कंट्रोल जे। और इसके कलर मैं दे दूंगा ग्रीन, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि अब ये दूसरा पोलराइड है। तो इसमें मैं थोड़ा सा टोन इफेक्ट दूंगा, टेप इसकी मैं हाइट कर रहा हूँ अभी, और ये जो पोलराइड है इसके अंदर मैं जाऊँगा, इसके अंदर जो रिंग की इमेज है इसको रिप्लेस करूँगा मैं पुरानी इमेज से, किसी पुरानी इमेज से, और ये पकड़ लेते हैं। तो इसको मैं उठाऊँगा, इसको मैं ऊपर ले आऊँगा और इसको डिलीट कर दूँगा, को क्लिप कर दूंगा। सेम वही मेथड सारा जो पहले पोलराइड में कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, सारा कुछ वही है। कंट्रोल डी ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पे आ गया और प्रेस ओके। कंट्रोल डी करके रोटेट भी कर सकते हैं वैसे तो, अपने हिसाब से ये डिजाइन करना है, कोई इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। कि एंगेजमेंट रिंग है, इसका भी टाइटल में ये रहने दे रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा, बट ऑब्वियसली हर इमेज का अपना टाइटल होता है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए इसको एक्सटेंड तो एडिट नहीं कर रहा। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस है, मेरे पास रिंग है और बेस है। सबसे पहले मैं रिंग को कंट्रोल ई करूँगा ताकि वो एक सिंगल इमेज बन जाए। अब वो कोई ग्रुप नहीं रहा, सिंगल इमेज बन गई है। कंट्रोल ई करके ग्रुप जो होता है वो सिंगल इमेज बन जाता है, मर्ज, ठीक है। अब मैं लासो टूल करूंगा, सेम वही जो मैंने टेप पे किया था वो मैं इसके साथ करने जा रहा हूँ, नहीं यहां से नहीं करूंगा, कंट्रोल जी किया, यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहां से मैंने ऊपर वाला हिस्सा काटना है तो ऊपर लेके गया हूँ,
और डिलीट कर दिया। बिल्कुल इस तरह मैं बेस पे जाऊंगा, बेस पे जाने के बाद मैं इसको करूंगा रेस्टराइज ताकि मैं इसको कट कर सकूं, रेस्टराइज लेयर, और यहां से स्टार्ट करूंगा। जहां मुझे स्टार्ट कर सकता हूं, बट लेट स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगेन ये सारा फ्री हैंड है, तो इसमें फिक्स पैटर्न नहीं है। तो ये हो गया, कंट्रोल डी करके इसको कर दिया। तो ये हमारे पास ऐसा इफेक्ट आ गया जैसे कि ये ऊपर से फटा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह ये भी हो सकता है कि कंट्रोल जी किया और इसको नीचे से हमने कर दिया कि इमेज ऊपर रहेगी और वाइट वाला हिस्सा, लेकिन वो इतना रियलिस्टिक नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है लेकिन खैर रियलिस्टिक नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता। कंट्रोल जी एंड कंट्रोल डी, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया और जो पैटर्न नीचे होता है ऑलमोस्ट वही पैटर्न ऊपर भी होता है। कंट्रोल डी कर दिया ताकि ये हमारे पास आ गया। इसकी टेप हम लगाएंगे कहाँ पे थी, अब उसकी सेंस नहीं बनती। अब हम इसकी टेप लगाएंगे, इसको डिलीट करें, क्या बन गया। कंट्रोल जी, मूव टूल, टेप एंड लेट्स प्लेस इट हियर। तो ये दूसरी इमेज यहाँ पे आ गई है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, दो इमेजेस बना ली हैं, दो पोलॉइड्स बना ली हैं। अगर मैंने अकेले बनाना होता तो मैं इसी को ही डुप्लीकेट करता रहता, मैं ये फटा हुआ ना बनाता। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा इफेक्ट देने के लिए कुछ ना कुछ रियलिस्टिक देना पड़ता, तो वो उसके लिए मैंने आपको सिखा दिया है। यूज़ करें ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये अकेला इट सेल्फ नीट लगता है, तो इसी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग मैंने आपको ये बताया, तो इसको यूज़ करें ना करें अगेन वो आपकी मर्जी है। और अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा अनलेस के मैंने कोई बहुत पुराना इफेक्ट देना हो। इसको मैंने प्लेस करके नीचे इस इमेज फेंक दिया और ये हो गया। अब मैं एक कोटेशन लिखूंगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपने अगर कोई स्क्रैप बुक बनाई हुई है या कोई आप वॉल सेट कर रहे हैं तो कोटेशंस आप डालते हैं टू मेक इट मोर रियलिस्टिक या मोर मेमोरेबल। तो देखते हैं वो कहाँ पे हम डाल सकते हैं। यहीं पे डाल सकते हैं कि इंसर्ट फॉन्ट जो है ना, ये ग्रेट वाइब्स है, ये नजर आ रहा होगा ग्रेट वाइब्स, ये आप लोगों ने डाउनलोड करना है इस काम के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा फॉन्ट है। थोड़ा सा स्टाइलिश है और जरा एलिगेंट टेक्स्ट है, तो इस तरह के कामों में ये काम आता है। वैसे मैं इसको यूज नहीं करता, लेकिन जब मैंने इस तरह की कोई चीज़ बनानी होती है तो मैं ये लास्ट में यूज करता हूँ। ग्रेट वाइब्स गूगल का फॉन्ट है, अच्छा फॉन्ट है। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट करना है। इंसर्ट योर फॉन्ट हियर, ऑब्वियसली फॉन्ट कोट एक लाइन का नहीं होता तो दो लाइन होता है, मैं इसके दो लाइन कर देता हूँ। एड सम मोर लाइंस हियर, ठीक है, दो लाइन का मेरा कोट हो गया। ऊपर वाले में मैं कॉमा डाल देता हूँ। अब मैं इसको कौन सा कलर दूंगा, इसी का कलर दूंगा लेकिन थोड़ा सा डार्किश टोन में। कंट्रोल डी करेंगे इसको, इस टेक्स्ट की लेयर को कंट्रोल डी, और कंट्रोल डी करने के बाद थोड़ा सा रोटेट किया। अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, या तो मैं इसके नीचे ले आऊंगा, साइज ऑब्वियसली आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ये कैनवस का साइज 1920x1080 है, तो उस हिसाब से ये इसकी विड्थ थोड़ी सी छोटी है ऊपर से नीचे तक। तो अगर ये कहीं किसी वॉल पे लगाना हो मैंने या कुछ करना हो तो मैं नीचे स्पेस मेरे पास होगी। खैर एक और तरीका भी है, सब को उठाओ सारी लेयर्स को और थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दो अगर आपने नीचे कोट देना है, जिस तरह का मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और फॉन्ट कलर बहुत डल है, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको, ये डार्क कलर भी हो गया। एक कोट यहाँ पे आ गया, कंट्रोल जे दूसरी डुप्लीकेट इसी कर दी, और इसको मैं उठा के यहाँ पे लिख सकता हूँ। कंट्रोल टी, इसकी रोटेशन थोड़ी सी चेंज की और यहाँ पे डाल दिया। तो दो कोट आ गए, दो पोलराइड्स आ गए, आप जितने मर्जी करें, आप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस काम की। तो हेडिंग ऑब्वियसली इस वक्त
मैटर नहीं करती, वो तो मैंने आप लोगों के बताने के लिए किया था कि आज का टॉपिक क्या है। तो एट दी एंड आपके पास ये रिजल्ट आना चाहिए जो कि इस तरह का है। दो चार इमेजेस हो, मैंने दो यूज़ की, आप तीन कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, जितनी मर्जी करें, ठीक है। मैं इसी को डुप्लीकेट कर दूँ, कंट्रोल जे, सॉरी इनको निकाल के कंट्रोल जे, तो क्या होगा कि दो को मैं उधर फेंक दूंगा, यहाँ पे आ गई, और दो को मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो मेरे पास मल्टीपल मल्टीपल एक कोलाज बन जाएगा। तो अगर आपने किसी को, खैर ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कठी भी इमेजेस आ रही, तो अच्छा नहीं लग रहा। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है, कोई लेट्स से वेडिंग सीजन है, तो आपने कोई पिक्चर्स वगैरह इकट्ठी की हुई है, तो आप एक ए फोर के पेज पे प्रॉपर डिज़ाइन करें इसको, और ये अच्छा खासा गिफ्ट बन सकता है। इस बिल्कुल इसी तरह की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर किसी की शादी है और मैंने यहाँ पे उसकी पिक्चर्स खींच के लगाई हुई हैं, ऊपर टाइटल दे दें, कोटेशन दे दें, अपनी अपनी जो जो हम मैसेजेस करते हैं, हैप्पी वेडिंग है, जो भी है, वेडिंग होगी, सालगिरह होगी, कुछ भी, तो आप प्रॉपर एक इस तरह का ना लेआउट बना के उसको सर्टिफिकेट या गिफ्ट वाले जो पेपर होता है उस पर प्रिंट निकलवाएं और उसको फ्रेम करवाएं, और ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट बन जाता है। ये इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल गिफ्ट। तो आप लोगों को मैंने आइडिया दे दिया, अपने किसी अगले जानने वाले को गिफ्ट देना और आपको जेन में आइडिया ना आ रहा हो तो ये जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो ना इसमें डिज़ाइन करने की, तो आप मेरे पूछ सकते हैं, तो आई एम श्योर कि आप जिसको भी देंगे ये तो उसको अच्छा लगेगा। तो दैट्स इट, ये पोलराइट है बेसिकली, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक इफेक्ट है जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे इंस्टाग्राम की पोस्ट बन सकती हैं, इससे फेसबुक की पोस्ट बन सकती है, और मल्टीपल इसमें पोस्ट आइडियाज़ निकलते हैं। आप गूगल कर लें पोलराइट इमेज इफेक्ट या पोलराइट इमेज डिज़ाइन, आपको बेतहाशा किस्म के इमेजेस मिलेंगे जिसमें पोलराइट यूज़ हो रहा है, और आप उसको बना के प्रेजेंट कर सकते हैं अपने किसी क्लाइंट को, या अगर आपने किसी को गिफ्ट देना, जैसे कि मैंने बताया, आप गिफ्ट दे सकते हैं, और अगर देंगे तो मुझे ज़रूर बताएं कि अगले बंदे को कैसा कैसा लगा है, और ज़रूर फीडबैक शेयर करें, ठीक है। तो टाइटल अगर आपने देना हो तो आप इस तरह कोई टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी, क्योंकि ये रिंग है तो उसमें एनिवर्सरी लिखी है, और यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं, लेट्स से 12 जो भी आ गया, 21 12 2021, कंट्रोल ए, क्विक सेंड का फॉन्ट यूज करूँगा यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग, और इन दोनों का फॉन्ट का कलर मैं चूज करूँगा वाइट। खैर मैं इस पर अभी अगर सेट करना हो तो इसमें फॉन्ट में चेंज करूंगा मुझे ये फॉन्ट, क्योंकि जब जो फॉन्ट कोड के लिए आ गया है वो फिर फॉन्ट यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप इसमें कोई हेडिंग बना सकते हैं, और खैर मैंने नहीं दिया आज तक किसी को ये ऐसा गिफ्ट, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इट इज़ समथिंग टू थिंक अबाउट, और इसको कर सकते हैं हम, इसको लेफ्ट लाइन कर सकते हैं, That's it, probably. तो that's it, आप लोग बनाए, और ये as always assignment आप यही है कि आपने ये बनाना है और बना के आपने share करना है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ आप लोग बनाएंगे, और मैं इसको at the end of this batch या फिर at the end of this class, sorry month, तो मैं ये कुछ content hand over करता हूँ Instagram जो upload करता है images उसको, तो अगर उसकी मर्जी होती है तो वो लगा देता है, तो अगर आप लोग अच्छा काम करेंगे तो मैं वो लगवा दूंगा, तो विच इज़ वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी कि मेरे स्टूडेंट्स का काम लगता है, और आप लोगों के लिए भी मोटिवेटिंग होना चाहिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।